नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका। बात करें 15 दिसंबर को मंत्री जो है मुख्यमंत्री जी बने भजन लाल जी शर्मा, उसके बाद बीजेपी की सरकार आई राजस्थान में 115 सीटों के साथ, बहुमत के साथ, ठीक है। उसके बाद बात करें 30 दिसंबर को मंत्री बनाए गए, मंत्रिमंडल का गठन हुआ। अब उसके बाद देखते हैं आज 5 जनवरी को कहीं जाके जो है आज इनको विभाग मिला है, मंत्रालय मिला है। अब आपको ये पता रहना चाहिए कि किस विभाग के कौन मंत्री हैं, आपको किसके पास जाना है अपनी बात रखने के लिए, अपने काम के लिए, ठीक है। तो बात करते हैं, आपकी स्क्रीन पर विज्ञप्ति है राजस्थान सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय की, तो देखिए बात करते हैं, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी को ही ले लेते हैं, इनके पास क्या क्या रहने वाला है। तो देखिएगा, श्री भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री, इनके पास क्या रहेगा, कार्मिक विभाग, आबकारी विभाग, गृह विभाग, आयोजना विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, नीति निर्धारण प्रकोष्ठ मुख्यमंत्री सचिवालय हो जाएगा, सूचना और जनसंपर्क विभाग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB हो जाएगा, यानी ACB भी इनके पास रहेगी, ठीक है। और बात करें दिया कुमारी जी, इनके पास जो क्या रहने वाला है, उप मुख्यमंत्री, ये भी वित्त विभाग, यानी हमारा जो बजट होगा वो कौन पेश करेगा, वित्त मंत्री करता है और वित्त विभाग इसके अंडर में आ गया है दिया कुमारी जी के। और जो भी अप्रूवल देना होगा, हमारी वैकेंसी का अप्रूवल भी जो वित्त मंत्रालय देगा वो इन्हीं के पास आएगा, ठीक है। उसके बाद पर्यटन विभाग इनके अंतर्गत है, कला साहित्य संस्कृति पुरातत्व विभाग भी इन्हीं के पास है, सार्वजनिक निर्माण विभाग भी इन्हीं के पास है, महिला एवं बाल विकास विभाग भी इन्हीं के पास है, बाल अधिकारिता विभाग भी इन्हीं के पास है। उसके बाद बात करें डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा उप मुख्यमंत्री हैं, तो बात करें देखिएगा तकनीकी शिक्षा विभाग, उस शिक्षा विभाग यानी हायर एजुकेशन का मामला जो दिया है वो डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, हायर एजुकेशन का मतलब कॉलेज एजुकेशन जो होगा, ठीक है, उस शिक्षा विभाग जो होगा यानी 12th के बाद का जो भी प्रोसेस होगा कॉलेज वगैरह का, वो आएगा आपके प्रेमचंद बेरवा जी के अंतर्गत, ठीक है ना। उसके बाद बात करें आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, आयुष विभाग, ठीक है, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग भी इन्हीं के अंदर आएगा। फिर बात करते हैं किरोड़ी लाल मीणा जी की, तो किरोड़ी लाल मीणा जी किस किस के मंत्री हैं, अब देखिए बात करते हैं, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जन अभियोग निराकरण विभाग। उसके बाद बात करें श्री गजन सिंह जी की, तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इनके अंदर है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं इनके अंदर है, ठीक है। उसके बाद बात करें कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी की, तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग इनके अंदर आने वाला है, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, ठीक है, युवा मामले और खेल विभाग, कौशल नियोजन उद्यमिता विभाग, सैनिक कल्याण विभाग इन्हीं के अंतर्गत आएगा। श्री मदन दिलावर की बात करें तो विद्यालय शिक्षा यानी स्कूल एजुकेशन, हमारे शिक्षा मंत्री जी ही हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की वैकेंसी जो आएगी इन्हीं के अंतर्गत आएगी, रीट भी इन्हीं के अंतर्गत आएगी, तो लग जाओ पीछे, कहीं देखी थी मैंने पोस्ट कि पढ़ जाओ पीछे अब इनके, हाँ तो पढ़ जाओ, कल ही ज्ञापन तैयार करो और दे दो रीट का, फर्स्ट ग्रेड का सेकंड ग्रेड का, मदन दिलावर जी को, ठीक है। पंचायत राज विभाग इन्हीं के पास रहेगा, संस्कृत शिक्षा विभाग भी इन्हीं के पास रहने वाला, ठीक है। श्री कन्हैयालाल जी की बात करें तो इनके पास रहेगा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, भू जल विभाग। श्री जोगाराम पटेल जी के पास क्या रहेगा, संसदीय कार्य विभाग, विधिक कार्य विभाग, विधि परामर्शी कार्यालय, न्याय विभाग इनके पास रहने वाला। श्री सुरेश सिंह रावत के पास क्या रहने वाला, तो बात करें जल संसाधन विभाग, श्री अविनाश गहलोत, देखो जल संसाधन आयोजना विभाग भी सुरेश सिंह रावत के पास रहेगा। उसके बाद अविनाश गहलोत के पास कौन सा विभाग रहेगा, तो बात करें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग रहने वाला है। श्री सुमित गोदारा जी की बात करें तो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग रहेगा, उपभोक्ता मामले विभाग रहने वाला। श्री जोराम कुमोद के पास बात करें पशुपालन डेयरी विभाग, गोपालन विभाग, देवस्थान विभाग, ठीक है। उसके बाद बात करें श्री बाबूलाल खराड़ी जी की बात करें तो जनजाति क्षेत्र विकास विभाग, गृह रक्षा विभाग, ठीक है। श्री हेमंत मीणा की बात करें तो राजस्व विभाग, उपनिवेशन विभाग। उसके बाद बात करें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की, तो देखें कृषि विपणन विभाग, यानी कि बात करें सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जो है, आपको पता है ये प्रत्याशी हैं अभी श्री करणपुरा विधानसभा सीट से, अभी चुनाव हुए हैं 5 जनवरी को, रिजल्ट नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन आपको पता है इस पर विवाद हुआ था, ठीक है। विवाद की बात करें तो ये संवैधानिक दृष्टि से तो सही है, बना सकते हैं, लेकिन आचार संहिता का उल्लंघन इसको कहा जा सकता है, ठीक है। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को कृषि विपणन विभाग बना दिया गया है, कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग दिया गया है, इंदिरा गांधी नेहरू विभाग इन्हीं को दिया गया, अल्पसंख्यक मामला एवं वक्फ विभाग इनको दिया गया है।
श्री संजय शर्मा जी की बात करें, संजय शर्मा जी को वन विभाग दिया गया है, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग दिया गया है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग इन्हीं के पास है। श्री गौतम कुमार जी के पास बात करें तो सहकारिता विभाग है, नागरिक उड्डयन विभाग इन्हीं के पास है। उसके बाद बात करें श्री जावर सिंह जी खरा के पास नगरीय विकास विभाग, ठीक है, और स्वायत्त शासन विभाग हिरलाल जी नागर के पास ऊर्जा विभाग है। राज्य मंत्री जी की बात करें, राज्य मंत्री कौन कौन है, श्री ओटाराम देवासी। बात करें पंचायत राज विभाग है इनके पास, ग्रामीण विकास विभाग है, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा है, ठीक है। डॉक्टर मंजू बागमार सार्वजनिक निर्माण विभाग है, महिला एवं बाल विकास विभाग इन्हीं के पास है, बाल अधिकारिता विभाग भी इन्हीं के अंतर्गत है, ठीक है। श्री विजय सिंह की बात करें तो राजस्व विभाग, उपनिवेशन विभाग, सैनिक कल्याण विभाग इन्हीं के अंतर्गत है। बात करें श्री कृष्ण कुमार यानी कि बात करें के विष्णु जी की तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, युवा मामले और खेल विभाग, कौशल नियोजन उद्यमता विभाग, नीति निर्धारण विभाग। श्री जवाहर सिंह बैडम की बात करें गृह विभाग, गोपालन विभाग हो जाएगा, पशुपालन डेयरी विभाग और मत्स्य विभाग, ठीक है। तो ये थे आपके नए राजस्थान के मंत्री, मंत्रालय विभाग कौन कौन से मंत्री हैं, किनके पास आपको जाना अपने काम के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।